साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे के मामले में पुलिस की जांच चल रही है, मगर जांच बेहद ही धीमी है। 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मगर अब तक भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। ऊपर से आरोपियों को जमानत भी मिलने लगी है। संजय सिंह जेल से बाहर है तो समर सिंह भी बेल के लिए खासी कोशिश कर रहा है। और इस बीच आकांक्षा की मां मधु दुबे लगातार पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रही हैं और नई जांच की मांग कर रही हैं। नए सिरे से जांच की बात कह रही हैं, मगर अब तक तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब जरूर होने वाला है। जी हां, आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि अब नई जांच तय मानी जा रही है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या होने वाला है, क्या है अपडेट। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे के मामले में पुलिस की कछुआ चाल से चल रही जांच पर खासे सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच में अब तक कुछ खास निकला नहीं है और कभी फॉरेंसिक जांच तो कभी डीएनए जांच की रिपोर्ट के इंतजार की बात कही जा रही है। ऐसे में आकांक्षा दुबे का परिवार भी जांच से खुश नहीं है। लगातार जांच टीम बदलने, नई टीम से जांच कराने की मांग आकांक्षा की मां मधु दुबे करती रही है, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। मगर अब मधु दुबे ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे न सिर्फ नए सिरे से जांच होगी बल्कि नई एजेंसी भी जांच कर सकती है। जांच की रफ्तार भी तूफानी तेज हो सकती है। असल में कुछ दिन पहले मधु दुबे और उनके वकील शशांक त्रिपाठी ने कहा था कि वो मामले की जांच टीम बदलने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। तो अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि मधु दुबे और उनके वकील हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जी हां, आकांक्षा केस में SIT जांच की मांग कर दी है। और ये बड़ी, ये भी समझिए, तो हाईकोर्ट के सामने पूरा केस रखा जाएगा, बताया जाएगा कि कितनी धीमी रफ्तार से केस की जांच हो रही है और कितनी धीमी गति से अन्य एजेंसियों को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिससे केस की प्रोग्रेस बेहद धीमी है और इंसाफ नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ कोर्ट की कही गई, जी हां, कोर्ट ने पहले कहा है और उसी बात को यहां पर दोहराया जाएगा क्योंकि ये कोर्ट की बात के खिलाफ भी है। कोर्ट ने एक केस के दौरान कहा था कि बेहद देर से मिला न्याय भी अन्याय के ही बराबर है। तो इसी टिप्पणी को ध्यान में रखकर जांच तेजी से कराने की मांग की जाएगी और कहा जाएगा कि न्याय देरी से मिल रहा है जो कि अन्याय के बराबर है, लिहाजा जांच टीम बदल दी जाए। ऐसे में तय माना जा रहा है कि आकांक्षा मामले की SIT जांच होगी और कोर्ट की तरफ से इसका आदेश भी आ सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट SIT जांच का आदेश देती है तो इसकी एकमात्र वजह धीमी गति से हो रही जांच होगी, लिहाजा SIT जांच की स्पीड को बढ़ाने के लिए भी कोर्ट की तरफ से बात कही जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो आकांक्षा केस की जांच सुपर स्पीड में होगी, फिर क्या होगा वो भी देखिए और समझिए। अब तक पुलिस वालों पर आकांक्षा की मां लगातार समर सिंह का साथ देने, समर सिंह को बचाने के आरोप लगाती रही, लेकिन अगर SIT जांच करती है तो फिर समर सिंह का काम तमाम होना तय है क्योंकि जांच तेजी से होगी, कोर्ट की निगरानी में जांच होगी और गड़बड़ी की कोई आशंका भी नहीं होगी, लिहाजा जल्द से जल्द जांच होगी और जल्द से जल्द फैसला भी होगा। तो कुल मिलाकर आकांक्षा दुबे की मां का मास्टर स्ट्रोक काम आने वाला है और उसके बाद कोर्ट का आदेश आते ही नए सिरे से जांच होगी तो कोर्ट की निगरानी में पाक साफ जांच होगी जिससे समर सिंह उसके करीबियों की छुट्टी होना तय। तो आप क्या मानते हैं, क्या मधु दुबे के लगातार आकांक्षा केस कुल में खड़े रहने से आकांक्षा को अब उम्मीद मिल रही है कि इंसाफ हो पाएगा? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में लगातार जांच जारी है, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, केस में नई बातें भी निकल कर आ रही हैं। अब इस बीच आकांक्षा की मां मधु दुबे ने ऐसा कह दिया, ऐसी पोल खोल दी जिसके बाद अनुराधा सिंह बुरी तरह से फंस गई है, मामला अटक गया, हालात और ज्यादा बुरे अनुराधा के लिए हो सकते हैं। जी हां, अनुराधा सिंह जो कि खुद को आकांक्षा दुबे का बहुत अच्छा और करीबी दोस्त बताती है, आकांक्षा की मददगार भी बताती है, असल में उस पर यानी कि अनुराधा पर डबल क्रॉस करने का, दो तरफा संबंध रखने का, दो तरह से आकांक्षा को बर्बाद करने का आरोप लग रहा है। और इस बार तो आकांक्षा की मां ने इसके सबूत दे दिए हैं और वो भी पक्के वाले सबूत। जी हां, सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा की मां ने अपने वकील को आकांक्षा और अनुराधा के बीच कई सारी बातचीत की चैट सौंपी है और इन चैट्स में दोनों के बीच कई तरह की बातचीत हुई है। और इस चैट के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या अनुराधा ने आकांक्षा को मजबूर किया, क्या अनुराधा ने आकांक्षा को उकसा दिया। सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा की मां ने वकील को जो चैट दी है उसे कोर्ट में दिया जाएगा और फिर समर सिंह और अनुराधा के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। और सूत्रों के ही मुताबिक आकांक्षा अनुराधा की चैट्स में कई बार समर सिंह की बात हुई है। जी हां, ये बड़ा खुलासा यहां पर कर रहे हैं। अब तक अनुराधा कहती रही है कि वो समर सिंह को नहीं जानती है, समर सिंह से उसकी बात कभी हुई नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा के साथ हुई चैट्स में, बातचीत में कई बार समर सिंह को लेकर दोनों के बीच में बातचीत हुई, कई बार
परंतु अनुराधा ने समर सिंह का भी पक्ष लिया और सूत्रों के मुताबिक कई बार अनुराधा सिंह ने समर सिंह की तारीफ की, खुलकर तारीफ की। आगे देखिए, अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अनुराधा समर सिंह की तारीफ क्यों कर रही थी, क्यों समर सिंह की तरफदारी कर रही थी? तो क्या समर सिंह और अनुराधा के बीच में कोई पीठ पीछे वाला एग्रीमेंट था जिसे अनुराधा समर का पक्ष ले रही थी, समर का साथ दे रही थी और आकांक्षा के सामने समर की अच्छी इमेज बना रही थी? सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा दुबे काफी पहले ही समर सिंह से किनारा कर लेना चाहती थी और समर सिंह की बदतमीजी गंदी आदतों से वो पहले ही परेशान थी, लिहाजा वो समर से दूर होना चाहती थी लेकिन दूर हो नहीं पाई। और कई लोगों का कहना है कि कुछ करीबी लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। तो क्या वो करीबी अनुराधा ही थी और क्या अनुराधा सिंह ही इनके बीच में कड़ी बन गई? क्या अनुराधा ने जबरदस्ती आकांक्षा को समर के साथ रहने के लिए, रुकने के लिए मजबूर किया? और क्या अनुराधा ही वो थी जिसने आकांक्षा को समर सिंह से दूर होने नहीं दिया और फिर उस हालात में पहुंचा दिया कि आकांक्षा को खत्म कर दिया गया? ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब जो भी हो, मगर इतना साफ है कि अनुराधा सिंह कुछ न कुछ तो सस्पेक्टिव जरूर कर रही थी, कुछ न कुछ तो संदिग्ध उसके केस में जरूर है, कुछ न कुछ तो उसकी शख्सियत ऐसी है जिससे अनुराधा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुराधा सिंह पाक साफ तो बिल्कुल भी नहीं है और अब आकांक्षा की मां ने जो चैट्स वकील को दी है उसके बाद तो हालात अनुराधा के लिए और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि हम इस चैट्स की पुष्टि नहीं करते हैं लेकिन जो भी कुछ अनुराधा के लिए निकल कर आ रहा है वो हैरानी भरा है, कल्पनाओं से भी परे है। क्योंकि कहां तो आकांक्षा ने अनुराधा को अपना दोस्त माना था और कहां अनुराधा ने उसकी पीठ पर हमला कर दिया। और अब पुलिस के बुलाने के कई बार बाद भी अब तक वो आई नहीं है, पुलिस के सामने आना नहीं चाहती है, खुलकर कुछ बताना नहीं चाहती है और अनुराधा सिंह को लेकर इसीलिए लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार सवाल बढ़ते जा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि अनुराधा सिंह पर शिकंजा कसने के बाद अब सख्ती से पूछताछ करने, सख्ती से वाराणसी लाने की तैयारी हो चुकी है? क्या उसकी बारी आ चुकी है? क्या ऐसा मौका अब आ ही चुका है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।